पब्लिक टीवी टीआरपी चोर है। ये लुटियन की मीडिया, ये तकवाले, ये सारे जितने थे वहां पे कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने। आज पूरा भारत आपसे पूछता है, तक तक तुम क्यों हारे, तक तुम क्यों हारे। नमस्कार दोस्तों, पंजाब टुडे टीवी पर आपका स्वागत है, जहां आपको गोदी मीडिया का सच दिखाया जाता है। आज का वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज के वीडियो में आप देखेंगे कि गोदी मीडिया की आपस में हुई लड़ाई। अर्नब गोस्वामी ने आज तक वालों की खूब पिटाई की। तो पहले क्लिप से शुरू करते हैं, जब गोदी एंकर असादुद्दीन ओवैसी की सिक्योरिटी को लेकर बीजेपी का प्रवक्ता बनने की कोशिश कर रहा था, तो कैसे वारिस पठान ने शांतमय स्वभाव से उनको जवाब दिया। यदि आपका मन में ये होता कि जनता जवाब देगी, तो आप यहाँ पर संसद में बैठ के हिंदू मुसलमान का खेल खेल रहे होते, सांप्रदायिकता की बातें कर रहे होते, लोगों को धमका रहे होते। और आज आप कह रहे हैं कि इनकी किसी और के बात को लेके, आप तो वारिस पठान वो पार्टी हो जिन्होंने खुलेआम आतंकवादियों को कानूनी सजा देने की बात, सहयोग देने की बात की। अरे वो नथुराम गोडसे को किसने सपोर्ट किया था? साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भूल गए कि आपके एमपी है? अरे इसलिए आपको भूल गए कि आज के भाजपा भी खेलने तकलीफ है, क्योंकि आपको हिंदू मुसलमान करना है, इसने कानून व्यवस्था बिगाड़ना है। और हमारा एक जाबाज ऑफिसर जो आतंकवादियों के साथ लड़ते हुए शहीद हो गया, हेमंत करकरे, उसने शादी करने का कि हमने उसको शराब दिया था, शराब हमें चाहिए। ऐसे ऐसे आतंकवादी आपके पास बैठे हुए हैं, देश के कट्टरों को गोली मारो, ऐसे आतंकवादी आपकी गोद में बैठे हुए हैं, उसका क्या करेंगे आप? उसका जवाब दीजिए, क्या करेंगे? अगले क्लिप में हम देखेंगे कि क्या होता है जब गोदी मीडिया एक जाट से भिड़ने की कोशिश करता है। इस क्लिप में देखेंगे कि कैसे राकेश टिकैत ने चित्रा त्रिपाठी के लाइव शो में धज्जियां उड़ाकर रख दी और चित्रा त्रिपाठी शब्दहीन रह गई। अगर टीवी पे तो सीधा क्या बोलिएगा? सीधा बोलने भाई, अकल आ गई हो, सुधार हो तो बातचीत शुरू कर लो, अगर ना ही हो अकल, ज्ञान प्राप्त ना हुआ हो तो और थोड़े से दिन में कर लियो। कहाँ देंगे आप बताओ, कहाँ दोगे? ठीक हो जाते हैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, पहले चढ़ते थे सड़क पर, अब तो अंगाए चलते हैं। आप चुनाव लड़ रहे हैं? ना हम तो नहीं लड़ते, अब क्या चुनाव एंकर जरूर लड़ेंगे कुछ, अब क्या चुनाव एक पार्टी बना लो सारे प्रेस के लोग। भाई सवाल पूछ लो आपसे, आप चुनाव लड़ो, तीन तो आप लड़ दो, तीन एक हम यहाँ तो और आ जाएगा, तीन तो आप लड़ दो, ठीक है? कुछ दूसरे वाले चैनल है कुछ वे लड़ लेंगे, तो ये काम अपने दूसरे के झंझट में पड़ रहे, अपने घर के चैनल और घर की पार्टी बना लो ना। मीडिया वाले बड़े निशाने पर हैं आप लोग? बड़े निशाने पे मीडिया वाले क्यों ना, ये पढ़े पढ़ाए हमें, पढ़े पढ़ाए हमें ये कहीं ना कहीं से। हाँ। देखा गया हाँ। एक ही क्वेश्चन को पांच मीडिया वालों ने पूछा, मगर भाई क्वेश्चन आज कहाँ से आया? एक ढाई घंटे में पांच मीडिया वालों ने एक ही क्वेश्चन पूछा, तो इसका मतलब क्वेश्चन आते हैं नागपुर से, व्याते हैं दिल्ली, उसको फिर रिफाइंड करते हैं, फिर आते हैं वे चैनल पे और फिर आप उनको क्वेश्चन को पूछ रहे हो। दोस्तों अगला क्लिप देखें और हमें कमेंट्स में ये लिखकर जरूर बताएं कि क्या ये मोहतरमा किसी एंगल से पत्रकार कहलाने के लायक हैं? इन्हें पत्रकारिता के बेसिक का भी नहीं पता। ऐसा क्यों होता है कि जब भी कोई प्रवक्ता बीजेपी के खिलाफ प्रश्न उठाता है तो ये मोहतरमा सीधा पर्सनल टिप्पणियां करने लग जाती हैं, और जब कोई इन्हें आईना दिखा दे तो ये टॉप की चाटुकार आग बबूला हो जाती हैं। कर मुझे तो ना सिखाए कि मैं सवाल पूछ सकती हूँ या नहीं। आपकी पार्टी है, आपका प्रदेश दिल, मैं अब याद दिला के सुप्रिया सुले ताको 18 फरवरी 2014 सुप्रिया सुले संसद की कार्रवाई सिखाती हूँ, मैं बताती हूँ आपको, मैं बताती हूँ सुप्रिया सुले 18 फरवरी 2014 ये सरकार चलाने का तरीका है। बंद कमरे में, संसद में बंद कमरे में आपने आंध्र प्रदेश का विभाजन करके तेलंगाना राज्य बनाया था, किया था कि नहीं किया था आपने? आप मुझे ये बताइए। अरे मुझे आप मुझे बेवकूफी भरा जवाब ही दे दीजिए। अरे मुझे पाठ मत सिखाइए, आप छोड़ चुकी।
चुकी है जर्नलिज्म, प्रिया सुप्रिया सिने जर्नलिज्म आप छोड़ चुकी हैं, अब ये आपकी कप ऑफ टी नहीं है। जर्नलिज्म रोबिका लियाकत कर रही है सुप्रिया सिने, ठीक है, नेत्री है, अब आप भाषण देना, अब आपका वोट है, पत्रकारिता नहीं, ठीक है, आपकी चरण वंदना की तस्वीर दिखा सकती हूँ मैं सुप्रिया सिने, नेक्स्ट ऑन माई पर्सनल ऑन दिस, मैं भी जानती हूँ आपके सारे के सारे पोस्ट भी वहाँ है पब्लिक में है, ठीक है, अरे सुप्रिया सिने बताइए ना 14 फरवरी 2014 को क्या किया था आपकी सरकार ने, अरे आप नेत्री बन जाइए ना, राहुल गांधी की पार्टी की प्रवक्ता तो बन जाइए, ठीक से जवाब दीजिए ना, प्रवक्ता तो ठीक से बन जाइए, मैं बताइए ना मुझे 18 फरवरी 2014 को क्या किया था आपकी सरकार ने, बताइए ना, आप एक पत्रकार सीता, अब आप नेत्री बन रही हैं, दोनों लिहाज से जवाब दे दीजिए मुझे, कवर किया होगा आपने 18 फरवरी 2014, आपने देखा होगा ना, जो पत्रकारिता छोड़ चुके हैं वो पत्रकार से सवाल न करे सुकेश ने, ठीक है, आपसे नहीं हो पाई पत्रकारिता, आपसे नहीं हो पाई पत्रकारिता, और मैं व्यक्तिगत नहीं हूँ, ना मैं व्यक्तिगत होना नहीं चाहती हूँ सुकेश ने, आपने पत्रकारिता पर सवाल ना उठाए, आप मेरे सवाल पर सवाल ना उठाए, पत्रकारिता पर सवाल ना उठाए, आपसे ना हो पाई पत्रकारिता, मैं तो यहाँ बैठी हूँ धमके की चोट पर बैठी हूँ, कोई पार्टी मैंने ज्वाइन नहीं की है, यहाँ बैठी हूँ मैं और सवाल पूछ रही हूँ, सबसे पूछ रही हूँ, बहुत मनोज लग रहा हूँ, मत करो, बताइए व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड, आप थकते क्यों नहीं है, आपको मजा आता है काम करने में या कोई टॉनिक वगैरह आप ले रहे हैं, पत्रकारिता छोड़कर चरण वंदना आपने शुरू की, मैंने नहीं सुनिए मत बताइए और लौट कर अगले क्लिप में हम देखेंगे कि क्या होता है जब गोदी मीडिया के एंकर बीजेपी के दिए हुए प्रश्न छोड़कर उनसे असली मुद्दों पर सवाल करने लग जाते हैं। देखें कैसे जब इस एंकर ने किसानों की मौत पर सवाल खड़े किए तो बीजेपी के प्रवक्ता ने अपने दोनों हाथ खड़े कर दिए कि इतने कठिन प्रश्न हमसे ना पूछें। साल पहले अभी जो समय हो रहा है सूर्यास्त के बाद, मेरा घर खैरनगर में है, खैरनगर से तिरवा, रात को अंधेरा होने के बाद में कोई निकलने को तैयार नहीं होता था और आज पूरी रात ट्रैफिक चलता है, साइकिल मोटरसाइकिल सब लोग चलते हैं। वो तो ठीक है ऐसी मरुण जी, पर मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि क्या आजम खान का अपराध ज्यादा बड़ा या फिर आशीष मिश्रा टेनी का अपराध ज्यादा बड़ा? देखिए जमानत हाई कोर्ट देती है और कोर्ट देती है, सो जमानत कोर्ट मेरिट पे देती है और कोर्ट के निर्णय का हमें सम्मान करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, कोर्ट के निर्णय का सम्मान करना चाहिए, लेकिन मेरा सवाल आपसे यही है कि आपकी पुलिस ने ऐसी इन्वेस्टिगेशन की कि जघन्य अपराध, इतने किसान वहां पर कुचल कर मर गए उसमें इतनी जल्दी 4 महीने में बेल हो गई? मेरा अनुरोध है कि मैं कार्यक्रम भी आया हूं तो मुझे सीधे ऐसे क्वेश्चन ना दें, पहले मुझे परिचय कराने दें प्रोग्राम में शामिल होने दें और फिर मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानून व्यवस्था का मुद्दा इसी कन्नौज की धरती से उठाया है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि गुंडा राज था समाजवादी पार्टी के राज में, तो आप बताइए क्या जवाब दें? तो दोस्तों वो पल आ ही गया जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। हमारा गोदी मीडिया का स्टार इतना नीचे गिर चुका है, ये आप खुद इन क्लिप्स में देखेंगे कि कैसे इन चैनलों में खबरों की जगह एक नाम जपने की दौड़ लगी हुई है कि कौन अच्छे जूते साफ कर सकता है। ये खुद ही एक दूसरे के बारे में सच बताते हैं, पर हमारे देश की जनता सच सुनना ही नहीं चाहती। और सच्चाई जानिए कि कैसे रिपब्लिक टीवी ने भारत के साथ धोखा किया है। रिपब्लिक टीवी टीआरपी चोर है। मुंबई पुलिस का दावा है कि रिपब्लिक टीवी ने फर्जी तरीके से टीआरपी का गेम किया। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का खुलासा किया, रिपब्लिक टीवी के फर्जीवाड़े का चिट्ठा खोल दिया गया है। जितनी भी सक्सेस किसी को भी देना, मुझे सक्सेस एट द कॉस्ट ऑफ माई वैल्यू सिस्टम कभी मत देना भगवान, बिकॉज वैल्यूज जरूरी हैं। इंसिडेंट्स सक्सेस विल कम एंड गो, बट संस्कार और वैल्यूज वही इंसान को इंसान बनाते हैं। तो इन सभी आरोपों के बाद अर्नब गोस्वामी ने साबित कर दिया कि वो सरकार के सबसे चहेते गोदी एंकर और चैनल हैं। तो कितने उत्साह से ये हमको साबित करने लगे कि ये मानवता के स्टार में सबसे नीचे हैं। आप ही हमें बताएं कि ऐसा बच्चों जैसा व्यवहार कोई पत्रकार कैसे कर सकता है। पर जो भी है, इन्होंने अंजना मैडम के चैनल की तो खूब बेइज्जती की है। मीडिया ये तकवाले, ये सारे जितने थे वहां पे कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने,
उनको लगा कि अर्णब गोस्वामी को जेल भेजो तो जीत जाएंगे। आज पूरा भारत आपसे पूछता है, तक तुम क्यों हारे, तक तुम क्यों हारे, पूछता है भारत तक तुम क्यों हारे। अपनी गिरबान में जाग के देखो तुम आज तुम क्यों हारे। मगर अपने ग्रिड पे जरा लगा दो भैया कि हार गए हैं, मान लो। खबर देखो, बार की रेटिंग्स निकल आई है, आपके अपने लोग तो बार के बोर्ड में बैठे हैं ना, तो मैं पूछ रहा हूं आज किसके रेटिंग पर सवाल उठाओगे। रिपब्लिक भारत के जितने दर्शक हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, रिकॉर्ड ब्रेकिंग व्यूअरशिप के साथ यूक्रेन और चुनाव के कवरेज को देखते हुए रिपब्लिक भारत ने आज तक को बुरी तरह से हराई है। इट्स अ वेरी बिग विक्ट्री फॉर रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक टीवी, रिपब्लिक भारत एंड रिपब्लिक बांग्ला। देन आई एम प्राउड टू से दैट एज पर बक रिपब्लिक इज द लार्जेस्ट न्यूज। If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.